दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। बाबू मशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूं जो हर रोज हर पल हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है तुम्हारे चेहरे पर। अपनी सादा लेकिन बेहद असरदार फिल्मों के लिए मशहूर ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ था। कोलकाता विश्वविद्यालय से उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ाई की और कोलकाता के न्यू थिएटर्स में बतौर कैमरामैन शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वो एडिटिंग की तरफ मुड़ गए। ऋषिकेश मुखर्जी ने मुंबई में बिमल रॉय को उनकी 2 बीघा जमीन और देवदास में असिस्ट किया। बतौर स्वतंत्र फिल्मकार उनकी पहली फिल्म मुसाफिर थी, लेकिन जिस फिल्म से उन्हें रातों रात शोहरत हासिल हुई वो थी अनाड़ी। अपनी एक से बढ़कर एक सामाजिक और भावपूर्ण फिल्मों के लिए दर्शकों का भरपूर सम्मान पाने वाले ऋषिकेश मुखर्जी को पद्म विभूषण के अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अपने करीब 4 दशक लंबे फिल्म करियर में ऋषिकेश मुखर्जी ने 42 फिल्में बनाई, जिनमें सत्यकाम, चुपके चुपके, अनुपमा, आनंद, अभिमान, गुड्डी, गोलमाल, आशीर्वाद, बावर्ची, मिली और नमक हराम बेहद कामयाब फिल्में रहीं। कुछ दिल ने सुना